परविंदर, तेरे डैडी जी जो तुझे बेअखला बैल कहते ना, कोई गलती नहीं कहते। अगर मैंने उस टाइम तुझे मारा नहीं होता ना, तो ये सच उनके सामने आ जाता कि मैं तेरे साथ हूँ, और फिर उन्होंने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। आप इतना मारोगे क्या मुझे? अपने सर पे इतना गुस्सा मत चढ़ने, कभी तो अपनी आकल लगा के सोचा कर। सबसे पहले ना, सबसे पहले तो उस अजूनी का इंतजाम करना। बेबे को भी अपनी साइड कर दिया उसने, इस अजूनी को तो सीधा करना होगा। अरे समर का क्या? अरे वो कहाँ अपने दिमाग से सोचती है, उसको तो उस अजूनी का सहारा है। और उस सहारे को भी मैंने तोड़ने की कितनी कोशिश की, लेकिन नहीं, बार बार कुछ उल्टा ही हो जाता है। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब इस अजूनी नाम का कांटा ना मैं निकाल के रहूंगी। चल बिल्डअप कुछ करेंगी, इलाका ले लो, ये कांटा निकाल के रखिए और चार बार रॉक लाइट चलो ना मोटो एंड सिमरन डर हाँ बहुत ज्यादा एकदम कॉन्फिडेंस नहीं अभी रोले एक्शन भाई देखा हुआ है गुस्से में लोग क्या कर जाएगी क्या चाहिए तुझे यहाँ बोला है ना अपना उसकी वजह से हुआ ये अभी दवाई लगा के अच्छा बनने का नाटक करने आई अरविंदर लो क्या हुआ क्यों चिल्ला रहा है बेटे को फिर से गुस्सा दिलाना है क्या इसे निकालो पहले आप यहां से हां सदा आ थोड़ा आप अरविंदर सादा लगी क्या पता बस गुदगुदी हुई थी मुझे हंसते हंसते मर गया सरकास भी ये वाला हाँ नहीं और अब ये मालूम लगाया नाटक करो उसके बाद कंटिन्यू है सादा लड़की क्या पुत्र ना ना बस गुदगुदी हुई थी मुझे तो हंसते हंसते मर गया मैं अब ये मालूम लगाने का नाटक क्यों कर रहे हो आप तू आज रात जाके ना अजूनी के साथ सोचा राजवीर और तेरे डैडी जी भी आज सर्किट हाउस में रुकने वाले हैं डायरेक्ट इतना पहुंच मत दो रेडी पर से लाइन ले